everyone, press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. बिग अचीवमेंट क्योंकि यहाँ पे हमारी मेरी दो बीवियाँ हैं, मेरे दो बेटे हैं, मेरी दो बहुएँ हैं, तो हर चीज़ डबल कर रहे हैं। तो अभी 200 हुआ है, फिर 2000 होगा, फिर 20,000 होगा। तो ऐसे ही हम लोग सिंगल में कुछ काम नहीं करते। या सो इट्स अ माइलस्टोन एंड वी डोंट लुक एट इट दैट वे कि 200 एपिसोड हमारे लिए रोज़ हर एपिसोड एक गोल होता है। तो और ये माइलस्टोन बनते जाते हैं, 200-300 होगा, फिर 1000-2000। सो या ईच एपिसोड इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी सीन इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वे। Okay, what was your reaction when you came to know that the show has completed 200 episodes for the first time when you came? ये shooting regularly से ऐसा कुछ नहीं था। Oh, 200 episode हो गए। It's like we knew we are heading there. So it's honestly ये जब ऐसे celebration कर रहे हैं तब लग रहा है कि यार 200 episode हो गए, वरना हमारे लिए ऐसा कुछ मतलब जब 100 episode हुए 200 मज़ा तब आते हैं जब चेक्स आते हैं, वो डबल जीरोज लग लग के, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ओके, जब इतना लंबा शो होता है तो यादें भी काफ़ी सारी बनती हैं, तो कोई ऐसी यादें जो आपको याद हो शेयर करना चाहें? बहुत सारी चीज़ें, हम लोग 2-3 बार इस शो के आउटडोर के लिए गए। हाँ, तो यूजली सुभाषीश्वर में साथ में घूमते रहते हैं, तो नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। जयपुर में हमने काफ़ी इवेंट टू वॉटर्स एट मीनारा मंजिल कोई जगह थी, तो उससे पूरा जयपुर का व्यू देखने को मिल रहा था। इवेंट आउट टू ईट, फिर कहीं बैठ के किसी 5-स्टार में, कभी किसी छोटे से रेस्टोरेंट में। सो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। द कास्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यंग, हैपनिंग, कूल पीपल। सो इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन द सेट्स। एवरी डे इज़ मेमोरेबल इन सम वे ऑर द अदर। For me, that when I entered for my Bharat on a Harley, that was a very cool memory, which I got to do because I'm doing this show. So yeah, I've got to do some very glamorous things. So yeah. Okay. Show के पीछे क्या होता है ये लोगों को जानने में बहुत interest होता है, तो ऐसी कोई एक चीज़ जो आप बताना चाहें, जो frame पे हम देखते हैं उसके पीछे क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ आप share करना चाहें? एक चीज़ होती है जब set पे लोग आते हैं तो आई एम प्लेइंग द फादर, सो यूजली सेट पे भी जब लोग आते हैं वो बोलते हैं कि यू आर नॉट लुकिंग लाइक द फादर, एंड इन पर्सन ऑल्सो आई डोंट लुक। सो वी हैव वेरी कूल फ्रेंडली रिलेशनशिप दे आर, ऑफकोर्स सुभाषीश एंड दिशांक एंड बोथ द गर्ल्स आर मच यंगर, बट वी हैव अ वेरी वार्म फ्रेंडली रैपो ऑफ स्क्रीन ऑल्सो एंड ऑन स्क्रीन ऑल्सो। हमारा जो रिलेशनशिप है फादर सन का है, बट इट्स अ वेरी कूल रिलेशनशिप। सो वी कीप इम्प्रोवाइजिंग आर सीन्स बिकॉज देर इज़ अ सर्टन कम्फर्ट लेवल दैट वी शेयर। So it's very interesting. Overall, it's not just one memory. It's so many things which is interesting. The fact that when you're coming on the shoot, you smile. अरे ये भी है, चलो तो मज़ा आ रहा है। तो कुछ ना कुछ मस्ती होती रहती है सेट पे। What you asked was कि सेट पे ऐसा क्या होता है जो बाहर के लोगों को नहीं दिखता? तो वो ऐसा होता है कि भले ही सेट पे उन्हें दिखता है कि उत्तरा देवी और फाल्गुनी आपस में टकरा रही हैं, बहुत नेगेटिविटी है, बट हम आपस में अगर आप देखोगे तो सब दोस्त यार और मतलब एक तरह से कलीग्स होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो एक बहुत ही प्यारा माहौल होता है और ऑन स्क्रीन हम कुछ और देखने को मिलता है। ओके, हम गाने सुन सकते हैं यहाँ से, तो आज तो काफ़ी नाच गाना, आज पार्टी बनती है वो। बिल्कुल पार्टी बनती है, तो आप सब इन्वाइटेड हैं यहाँ पे। आपका है क्या? सेट से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पार्टी है, तो बस वो पार्टी में आइए और इन्जॉय कीजिए। आप लोग भी चलिए हमारे साथ, और ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, इनको डांस करते देखिएगा। He's kidding. Yeah. I danced a lot today during the shoot. Yeah. एक ऐसा कोई गाना आपको याद आता है ऐसे ओकेजन पे, कोई अगर ऐसा स्पेशल? बार बार दिन ये आए और एक एक जीरो बढ़ता जाए और जीरोस बढ़ते जाए। शो टीआरपी भी बढ़ती जाए, जीरो से दूर रहे, मतलब जीरो सिर्फ हमारे एपिसोड के एंड में लगे। हाँ। और बाकी जीरो से डर लगता है। तो गाना क्या आ रहा है वो बताइए ना। गाना क्या आ रहा है? गाना क्या आता है इन ख्यालों से रिलेटेड? ख्यालों में आज दिन चढ़िया, क्या आगे बताओ? ये बहुत अच्छा सिंगर भी है। okay. और मैं सितार भी बजाता हूँ, और भी कुछ बोल दीजिए। वुड लव टू हियर अ सॉन्ग। अरे साड़ी पहन के भी दिखाता है लोगों को। हाँ, नो ही इज ओनली किडिंग, आई एम किडिंग अबाउट एवरीथिंग, यार ही इज अ वेरी गुड एक्टर, आई एम जस्ट किडिंग। या ओके, एनी फाइनल वर्ड्स टू द व्यूअर्स? प्लीज कीप वॉचिंग स्टार भारत एंड जीजी मां।
and I've come back on television after a long time, and it personally means a lot to me that a show which is my comeback show after 5-6 years and it's doing so well. So I'm obliged, I'm honored, and I think I'm blessed to get so much of love for all my shows, and for people to accept me all over again. I think it's a personal victory, so I feel very happy about it. Thank you. Personally, I have gained a lot from the show in terms of learning experiences and everything. So my message is please follow IWM Buzz, that way we can stay connected.